बिहार में शराब बंद कानून है, लेकिन किस तरीके से शराब तस्कर जो है वो शराब की धजिया और कानून की धजिया उड़ाते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। फिलहाल अभी हम मौजूद हैं रामदास राय डेरा ओपी में, जहां पे देख सकते हैं कि बगल में एक कार मौजूद है। इस कार को देखने से ऐसा आपको प्रतीत नहीं होगा कि ये शराब ढोने वाली कार है, लेकिन जब इस कार के पास पहुँचा गया और पुलिस प्रशासन जब पहुँची और कार को अंदर जब दरवाजे को खोल करके देखी तो मालूम चला कि इसमें कई पेटी अंग्रेजी शराब रखी गई है। फिलहाल जो तस्वीरें निकल करके आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आइए पहले गाड़ी के पास चलते हैं और गाड़ी को दिखाते हैं। देखिए ये शराब की पेटियां है जो रखी गई है और इसी प्रकार से बतौर इस गाड़ी में रख करके और शराब लाई गई थी। अगर बात करें तो कुछ ही दूरी पर यहाँ से जो है वो यूपी पड़ जाता है, गंगा नदी भी इसमें पड़ती है। गंगा नदी के बाद जो है वो यूपी पड़ जाता है, यूपी बिहार का बॉर्डर के पास ये जो थाना मौजूद है। लेकिन अगर गाड़ी की बात करें तो गाड़ी का नंबर जो है वो है BR44Q9131। इस गाड़ी का नंबर है, कहा जा सकता है कि यह गाड़ी जो है वो बक्सर की ही गाड़ी है, क्योंकि 44 जो कोड है वो बक्सर का ही है। और लेकिन फ़िलहाल जो गाड़ी में शराब की खेफे लेकर के जाए जा रही थी, कहाँ जाया जा रहा था, कैसे यह गाड़ी पकड़ी हुई, ये तमाम जो बातें हैं वो यहाँ के थाना प्रभारी जी जो नमो नारायण जी जो है वो बताएंगे, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर गाड़ी की बात करें तो गाड़ी के अंदर की अगर बात करें तो देख सकते हैं तस्वीरों में कि लग्जरी ये वाहन है और ये वाहन जो है यूपी से चली थी और बिहार में पकड़ी गई है। कुछ ही दूरी पर थाने के बाद जो है वो टीम पहुंची थी, गश्ती टीम मौजूद थी, वाहनों का सघन जांच चल रहा था, उसी वक्त जो है वो ये गाड़ी पकड़ी गई है। हमारे साथ सर मौजूद है, सर से हम बात करना चाहेंगे कि सर किस तरीके से ये गाड़ी पकड़ी गई और कब पकड़ी गई। सुबह में हम लोग करीब 4:30 के करीब में हम लोग वाहन जांच करने के लिए शराब वराब के संबंध में निकले थे थाना से, तो रोड पर पहुंचे तो दो गाड़ियां खड़ी थी, तो उसको हम लोग जांच कर रहे थे और दो गाड़ियां के पीछे भी गाड़ी खड़ी थी जिसका लाइट उजल रहा था। और वो दो पिकअप हम लोग चेक किए, चेक करने के बाद जब यहाँ पहुँच रहे हैं तो ये गाड़ी स्टार्ट है, लाइट जल रहा है और इसमें आदमी नहीं था, गाड़ी स्टार्ट ही, लाइट जल रहा था। अब रात का समय था, अब हम लोग खोजने लगे भाई इसमें क्या आदमी कहाँ है, तो आदमी नहीं मिला। इसके बाद हम लोग इसकी सूचना तुरंत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय को दिए, तो उनके द्वारा बोला कि ठीक है गाड़ी की आप लोग जांच करिए। तब तक वो जब जांच की गई तो पता चला कि इसमें शराब है। इसमें जांच किया गया तो 8 PM का करीब 72 पेटी दारू मिला, और दारू मिलने के बाद बड़ी पदाधिकारी के आदेश से हम लोग फिर छानबीन करने लगे, लेकिन चालक जो इसके अंदर था उसका पता नहीं चला और गाड़ी हम लोग थाना लाए हैं। फिर भी नंबर से हम लोग अभियुक्त की तलाशी कर रहे हैं, बहुत जल्द इसका पता लगा लिया, उद्भेदन कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि जिस तरीके से सर के द्वारा बताया गया कि यह गाड़ी जो है वो लवारिस हालत में वहाँ पे पड़ी हुई थी और आगे जो है दो वाहनों का जाँच किया जा रहा था, उसके बाद ये गाड़ी का नंबर आया। जैसे इस गाड़ी के पास पहुंचा गया तो गाड़ी का ये लाइट, सामने की जो दोनों लाइटें हैं वो जल रही थी, लेकिन इस गाड़ी में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। फिलहाल पुलिस इस गाड़ी को लेकर के थाने आई है और कानूनी कार्रवाई कर रही है। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर सनीस उपमनु की रिपोर्ट।